नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। भाई ये वोल्वो कंपनी का सोयल कॉम्पैक्टर है SD110BA। आज इस वीडियो के अंदर इसके बारे में थोड़ा जो आपको दिखाऊंगा कैसी क्या मशीन है, बिल्ड क्वालिटी क्या है। और ये अनुज कुमार जी हैं जो इसके ऑपरेटर हैं, 2013 से ड्राइव कर रहे हैं, चला रहे हैं सोयल कॉम्पैक्टर को लगातार। तो इनसे इसके बारे में इनका अनुभव लेंगे और जो आदमी कोई लेना चाहता हो तो उसके बारे में बताऊंगे, और क्वालिटी और कैसे क्या क्या ये फंक्शनिंग है इसकी सारी चीज़ें वो दिखाऊंगा, साथ के साथ में बताऊँ भी का। तो चलो एक बार अनुज भाई से बात कर लेते हैं। अनुज जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, एक थोड़ा हाथ तेज बोलो, एक बार अपना नाम पता एड्रेस बताओ। अनुज कुमार नाम है मेरा। हाँ जी, रोलर ऑपरेटर। कौन सी, कहाँ से हो आप? जिला अमरोहा से जी। अच्छा, अमरोहा यूपी से है जी। तो अपना जैसे आप कितने साल से इस लाइन में हो? 2013 से सोयल कॉम्पैक्टर चला रहे हो आप जी। तो इसमें जैसे कोई बंदा अगर मान के चलो सोयल कॉम्पैक्टर लेना चाहे जी, तो कौन सा लेना चाहिए उसने? मैं थोड़ा है इस बारे में जो वीडियो बनाना पर्पज यही है, अगर कोई बंदा सोयल कॉम्पैक्टर खरीदना चाहता हो तो आप पहले बताओ, ये बताओ आपने कौन कौन सी कंपनी चलाए हैं? मैंने एस्कॉर्ट का चलाया जी। ये वोल्वो का भी चला रखा है और उसका चलाया, क्या बोलते हैं उसको, कैट का हो, कैट का नहीं, उसका एस्कॉर्ट का हो गया, एलटी का, हम का। अच्छा, हम का। तो इनमें जैसे चलाने में तो आपको जैसे पहली बात तो मतलब फंक्शन में कुछ चेंज था या एक जैसे है सारे? थोड़ा ही बहुत चेंज है, यानी सारे एक सही हैं। वैसे एस्कॉर्ट के में सही है, एस्कॉर्ट के में सही है, ऐसा क्या है? वोल्वो भी सही है, एस्कॉर्ट के में लीवर हाथ में है इधर। हाँ, आगे ध्यान रहेगा, साइड में हाथ में मारेंगे दिक्कत ना आएगी। अच्छा, मतलब जैसे दोनों तरफ लीवर है एस्कॉर्ट में। वोल्वो के में ये है, वोल्वो के में भी एक साथ ही है, उसमें वाइब्रेटर का यहाँ दिया है। हाँ, पास में। अच्छा अच्छा, इसका ये हाथ में दिया दोनों तरफ। अच्छा, वाइब्रेटर वगैरह दोनों सारे हाथ में दे रखे हैं। तो मतलब इससे आराम है चलाने में, मतलब वोल्वो एस्कॉर्ट का आरामदायक है चलाने के लिए, मतलब ऑपरेटर के लिए जो एक कह भाई जो हर सुविधा उसके अंदर वो ठीक लगे है लंबा चलाने के लिए। तो अच्छा अच्छा, मतलब जैसे आप सजेस्ट करो तो कब अगर कोई लेना चाहे तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे, कौन सा कहोगे? बोल देंगे जी एस्कॉर्ट ले लो एंड वोल्वो ले लो, दोनों सही है। अच्छा, वोल्वो एस्कॉर्ट। हाँ नहीं, देखो अपना हर आदमी का अपना एक नजरिया होता है देखने का किसी चीज़ का, वोल्वो एस्कॉर्ट का ठीक लगा आपने, इन दोनों में से कौन सा बढ़िया लगा? अरे अब तो जी यही बढ़िया लग रहा है जो हम चला रहे हैं फिलहाल। नहीं वो तो एक देखो वो तो मजबूरी है, क्योंकि ये है एक दो दिन अगर हम दूसरा भी जाएंगे तो मान लो आज हमारा हाथ ना जमे एकदम, पर ये है एक दो घंटे में जम जाएगा। नहीं एक तो देखो हाथ जमना वो तो एक मजबूरी होगी ना भाई, ठीक है अब तब चलाना ही हो तो चलाना ही वो है, उसमें तो वो है ही नहीं। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, अगर मान चले भाई एस्कॉर्ट में थे और वोल्वो में से अगर दोनों खड़े हैं आपके पास, तो उनमें से आपको बोलते हैं जोन से आपका दिल कर वो चला लो, तो उनमें से कौन सा चलाना पसंद करेगा? मैं एस्कॉर्ट पर जाएगा। तो वही चीज़ है, एस्कॉर्ट फर्स्ट पसंद है, तो उसमें है लीवर का ही फर्क है बस, जैसे है तो फिर लीवर का ही फर्क है बिल्कुल, बस उसमें ये है इसमें लीवर ये दे रखा है, वाइब्रेटर का ये उसमें बटन का है बस इतना है। अच्छा अच्छा, नहीं लीवर उसके यहाँ साइड में है या वहीं साइड में है? लीवर यहाँ है साइड में, दोनों तरफ है उसके लीवर। चलो उसके बाद मतलब कुल मिलाकर अपनी चॉइस की चॉइस ये है कि भाई आप एस्कॉर्ट का लेना पसंद करोगे। ठीक ठीक, और इसमें कोई नुकसान, डीजल खर्चा कितना आपने ध्यान दिया हो तो कभी? डीजल खर्च इसका वाइब्रेटर पर चलाएंगे तो 10 तक है, 10 से नॉर्मली 9 पे ही आ जाता है। अच्छा, और बिगर वाइब्रेटर के चलाएंगे तो वही 8.5 कितने कै सिलेंडर इंजन है इसमें? 4 चार सिलेंडर इंजन। कौन सी कंपनी का पता होता आपने? चलो छोड़ो, कोई नहीं छोड़ो कोई नहीं, चलो एक बार आ जाओ नीचे, एक बार बोनट खोल के दिखाओ एक बार इसके अंदर, तो देखा भाई टेक्निकल क्या क्या चीज़ें थोड़ा वो जो भी हमें पता लगेगा। एक चीज़ बताओ, इसमें विजिबिलिटी कैसी है पीछे देखने के लिए? बिंदास है देखने के लिए पीछे। अच्छा, बिंद मतलब कैमरे की जरूरत नहीं है इसमें? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, ज़्यादा कैमरे की जरूरत है नहीं इसमें, क्योंकि सेप इस तरीके से बना दी इन्होंने। अच्छा अच्छा, ये इस तरीके से लोग खोल के। अच्छा, ओ सीट बेल्ट ऑप्शन दे रखा है, तो जैसे अपनी सीट बेल्ट हो ऐसे फोल्ड हो जाए इसके अंदर है, ये भी सही है। अच्छा अच्छा, ये हवा इंजन इधर से दिखाता हूँ, चार सिलेंडर इंजन है जैसा कि हमने पता है, विद टर्बो के साथ में, और किर्लोस्कर कंपनी का इंजन है भाई इसमें, ये टर्बो और किर्लोस्कर कंपनी का इंजन है। देखो ये लिख रहेगा किर्लोस्कर कंपनी का चार सिलेंडर इंजन है, और ये टर्बो देगा, टर्बो नंबर किसी भाई का समझ में आता हो, वो नंबर से ये यहाँ पे कौन सा, ये कोई टैंक है क्या? टैंक नहीं है इसके। अच्छा, वैसे वेट है इसका? ठीक ठीक। अच्छा, ये यहाँ पे बैटरी बॉक्स दे दिया, और ये कूलेंट वो टंकी होगी। अच्छा, ये है इधर रोटरी पंप के साथ में, वह चार सिलेंडर इंजन, ये इधर आगे नोजल वगैरह देखो चारों। अच्छा, वो ये साइड में, जिसमें कोशन वगैरह, टायर पंचर वगैरह, टायर प्रेशर वगैरह सारे रखे हुए हैं, और टायर साइज इसका
A330, B61, ये पता ना कौन सा साइज है, ये कौन सा टैंक, हाइड्रोलिक टैंक? अच्छा ये डीजल टैंक है, इस साइड में डीजल टैंक दे दिया सारा, मतलब कॉम्पैक्ट बना, छोटा हा बना दिया और सारा रबड़ के ऊपर लख रखा, बता के जो हिलेगा ना हिलने में। एक चीज बता, वाइब्रेशन में कैसा है वो? ठीक है, वाइब्रेटर वाइब्रेशन पहुंच जाए आप तक? हम तक नहीं जाएगी। अच्छा आप तक नहीं जाती? ठीक ठीक। ये अब 77 किलोवाट का इंजन है इसका, ये देखो 77 किलोवाट का इंजन है, पावर इंजन जो है 77 किलोवाट, और 1100 kg इसका टोटल वेट है, 1100 kg वेट है। यहाँ से हाइड्रोलिक जैक है डबल इसको घुमाने के लिए, ये अब ऊपर लिखा भी हुआ 50 bar बी, मतलब कि कुछ होगा ये यहाँ पर पिन, जैसे ट्रांसपोर्ट में लेकर जाते हैं तब इसको पिन डाल देते ताकि ये घूमे ना, क्योंकि इसके जंप करने का बहुत ज़्यादा होता चांस। ये अपना SD110BA, और इधर से देखो ड्रम में आगे ऊपरी है, 2-6 pin लग रही, 6-4-8 लग रही है ये, ताकि जो वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन का जो झटका है वो यहाँ तक ना पहुँचे। और इस पर ये कुछ क्वेश्चन वगैरह लिख रखे हैं, इस पर कुछ है प्लेट, ये देखते हैं भाई इसका, ये इसमें लिख रखा है मोड ऑन, तो ये है, और SR ऑन, तो ये कुछ दिल लिख रखे है इसके ऊपर, आप लोगों को सुल्टा करके देखा। ये प्लेट है भाई, इस प्लेट के बारे में मेरे को तो देखो ज़्यादा पता नहीं क्या है, मेड इन इंडिया, और वाइब्रेटर मोटर उस साइड में है। अच्छा ये आगे देखो पूरा बढ़िया, ये अगर इस पर मिट्टी वगैरह चिपक जाए तो एक लेवल के बाद ये मिट्टी अपने आप उतार दी, इस तरीके से डिजाइन कर रखा है पूरा, आगे वोल्वो के लोगों के साथ में। ये यहाँ पे दे रखी है वाइब्रेटर मोटर, ये रही ये वाइब्रेटर मोटर, पर हाइड्रोलिक से चल कर पूरा दर 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 कांपेगा एकदम। ये चीज़ है भाई, और यहाँ पर सारा सिस्टम दे रखा है, ग्रीसिंग वगैरह जो भी है पॉइंट है इसके। ये हाइड्रोलिक टैंक इसका, ये हाइड्रोलिक टैंक है, यहाँ तक आप चेक भी कर सकते हो कितना हाइड्रोलिक बचा हुआ है, और ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं चलाने के लिए, ये यहाँ पर टूल बॉक्स दिया है, और सीट एडजस्टेबल होगी, सीट आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं, वो एक अलग चीज़ है। ये लीवर दे रखे हैं, और ये रेस हाथ वाली, ये लीवर वाइब्रेशन के लिए, ये फॉरवर्ड और रिवर्स, इसके अंदर दो ही गियर होते हैं। यहाँ पर लाइटिंग वगैरह ऑप्शन दे रखे हैं, पार्किंग वगैरह, इमरजेंसी स्टॉप के लिए यहाँ पर की ऑप्शन है, ये फ्यूल गेज दिया है, लाइट वगैरह, कैनोपी लोहे की कैनोपी, मतलब फाइबर की नहीं है, लोहे की है, और विजिबिलिटी एक बार करिए बोनट पीछे करिए, अगर हम सीट पर बैठते हैं तो विजिबिलिटी दिखाते हैं आप लोगों को पीछे की, क्योंकि जो डिज़ाइन है ना इसका एकदम फ्लैट है, जो बंदे को डिज़ाइन दिखने का, जो बंदा देखो ये नीचे बिल्कुल जस्ट पीछे खड़ा है बंदा, और साफ दिख रहा है बंदे को, तो कुल मिला के ये है भाई इसकी जो डिज़ाइन कर रखा है इस तरीके से, इसमें यहाँ पर कैमरे की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, अगर लग जाए तो फिर देखो वो तो सोने पे सुहागे वाली बात है। तो ये था भाई, एक बार दोस्त चला के देखा अभी अनुज इसको, थोड़ा सा ना फुल वाइब्रेशन करके तब चला के देखा, थोड़ा बैक में चला के देखा, ये धरती कांपना स्टार्ट कर, जैसे भूकंप आता ना ऐसे हो जाएगा। ये तो ऐसे तो बैक अभी फिलहाल वाइब्रेटर ऑफ है, तो वाइब्रेटर ऑन होगा तब दिखाऊंगा थोड़ा चलते हुए। ओपा इधर दिखा अपनी स्टार्ट हो गई, देखो भूकंप आ गया, भूकंप गुदगुदी होती रहेगी पूरा।